अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फोर का ये मैथ है फ्रैक्शंस। थ्री काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शन, जिनमें उज़ैर हमें बताएगा कि नॉमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। हाँ जी, ये 3/4 लिखा हुआ है, तो इनमें नॉमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है? ये जो ऊपर वाली नंबर होगी, नंबर होगा वो नॉमिनेटर होगा। ओके, यहाँ लिखें नोमिका एन, एंड डिनोमिनेटर कौन सा होगा? डिनोमिनेटर का नीचे वाला नंबर। ओके, नेक्स्ट 1/2 में कौन सा नोमिनेटर? 1। ओके, लिखें एन, एंड डिनोमिनेटर 2। ओके, नेक्स्ट अब मुझे आपने ये बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन जिनके साथ होल नंबर लगते हैं, वो वाले मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कीजिए और इसे याद कीजिए, अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कीजिए काम। अल्लाह हाफिज़।